जो कहती हैं कि कंट्री ने हमें क्या दिया, क्या हमने कंट्री को कुछ दिया है? मैंने आपको नहीं देखा, आपने मुझे नहीं देखा, मैंने कस्टमर को नहीं देखा, उसने मुझे नहीं परखा। तो मैं ये डिटेल जानने से आ रही हूँ कि उस पर क्या चीज़ सूट करेगी, उसकी स्किन की टाइप कैसी है, मेकअप कौन सा सूट करेगा। उनमें लेडीज जितनी भी मौजूद है ना क्वांटिटी में, वो तकरीबन 100% काम कर रही हैं, दबा छुपा सा काम कर रही हैं, दरवाजे बंद करके काम कर रही हैं। ये फर्द कायम रबते मिल्लत से है तन्हा कुछ नहीं, मौज है दरिया में और बैरून दरिया कुछ नहीं। कभी कभी मैं लेडीज से हफ्ते में एक बार मीटिंग करती हूँ। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, इट्स मी रिज़वान, यू आर वाचिंग जानिए पाकिस्तान। नाज़रीन, मेरे साथ जो गेस्ट आज मौजूद हैं सैर नदीम, इनका काम बहुत ही यूनिक है। अपनी गाड़ी के अंदर 50 से ज़ायद प्रोडक्ट्स रख के सेल आउट करती हैं गली गली महल्ले में जाके, और एक दिन ऐसा है जिसमें ये सिर्फ उनके साथ मीटअप करती हैं और बैठ के उनसे अपने दुख उनको सुनाती हैं और उनके खुद सुनती हैं। क्या वजह है, इनका एम क्या है, चलिए इनसे ही जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। बताइएगा ये कि आपको ये आइडिया कैसे आया कि आपने अपनी गाड़ी के अंदर ही इतनी ज़्यादा प्रोडक्ट्स रख के सेल आउट कर दी। देखें, आइडिए की तो बात ही नहीं है, जब ये तय है कि आवाम में निकलना है और उनसे कुछ बात पूछनी है और कुछ अपनी बात करनी है, फिर कोई बहाना तो चाहिए कि उनमें निकलने का, तो वो बहाना मुझे मिल गया। क्योंकि लाहौर में लेडीज़ कोई जामिया कारोबार पहले से कर नहीं रही, जो कर रही हैं अपने घरों तक महदूद हैं, या कह लें दरवाज़े बंद करके छुप छुपा के काम कर रही हैं, छुपा के ट्यूशनें पढ़ानी हैं, छुपा के आपने सूट बेचने हैं, और तीसरी कोई चीज़ सेल भी नहीं करनी, घरों तक भी नहीं पहुँचना, ना आवाम से मिलना है, ना उनमें जाना है, और ना उनका दर्द बांटना है, और ना कुछ अपना दर्द उन्हें बताना है। तो वो एक मौका समझ लें कि मुझे समझ में आया और आवाम तक मैं पहुंच गई, और अभी हम आगे डिबेट में देखेंगे कि असल हदफ हमारा क्या है। अच्छा मैम, आप जाती हैं लोगों के पास जाके प्रोडक्ट्स अपनी शेयर करती हैं, उनको इंट्रोड्यूस करवाती हैं कि मेरे पास ये प्रोडक्ट्स है, तो कैसे रिएक्शन आपके आ रहे हैं और कब से कर रही हैं? रिएक्शन बहुत अच्छा है, क्योंकि इससे पहले कोई लेडी घरों तक नहीं पहुँची, तो लोगों को एक तो आसानी है कि जो लेडीज़ हर टाइम, जैसे कि भाई घर पे नहीं है, वालिद घर पे नहीं है, चीज़ें अचानक चाहिए, मैं उनके दरवाज़ों पे जाती हूँ, उनके घर तक पहुँचती हूँ, और अगर उन्हें कोई सैलून की सर्विस या कोई चीज़ें सामान दरकार है तो उसका यूज़ भी बता देती हूँ कि मतलब मेकअप की अगर कोई चीज़ है उसका यूज़ नहीं पता, वो गाइडेंस भी मिल जाती है, नेक्स्ट टाइम और कस्टमर्स को भी आसानी हो जाती है। आप इंजीनियर हैं तो उसके साथ यही काम क्यों करना पड़ा? करना नहीं पड़ा, मुझे जितना तजर्बा चाहिए था वो मैंने अपनी फील्ड से लिया, और इंजीनियरिंग एक बिल्कुल अलग काम है, जैसे ऑफिसेज में बैठने का काम, आवाम में निकलने के लिए आवाम में जाना पड़ता है। आप दफ्तरों में बैठ के लिंक नहीं बना सकते, आप अपने घरों में बैठ के लिंक नहीं बना सकते, तो जो असल मेरा बुनियादी नज़रिया है ना, उसके करीब होने के लिए मुझे उस चीज़ को खैराबाद कहना पड़ा, और आज अभी आवाम के बीच में मैं बड़ी कामयाबी से सैटरडे को मोस्टली 2 घंटे रखती हूँ, या वीक में कोई एक दिन 2 घंटे मैं आवाम के लिए गुजारती हूँ, और उसमें मैं अपना कोई बिज़नेस नहीं करती, और ये चीज़ मैं अपने कंट्री के लिए कर रही हूँ। उसमें मैं कुछ औरतों को हिम्मत दिलाती हूँ, और इस चीज़ की मैं कोई पेमेंट रिक्वायर नहीं करती, क्योंकि वो अभी इतने पानी में ही नहीं कि वो किसी को पेमेंट कर सकें, तो उन्हें याद दिलाती हूँ कि भाई अपनी कुछ डिग्रीज़ निकालें या अपने हुनर मुझे बताएं, तो हम कुछ करने की कोशिश करते हैं, और कुछ लेडीज़ को हिम्मत आई भी है। तो एज अ ट्रेनर मैं उनमें काम कर रही हूँ, कुछ लेडीज़ ने मेरी गुफ्तगू सुन के या कन्विंस होकर कुछ अपने कारोबार छोटे पैमाने पर शुरू भी किए हैं, क्योंकि देखें आप फर्स्ट लेवल पे तो बड़े पैमाने पे नहीं जा सकते, लेकिन अच्छी बात है कि उनमें से कुछ लोगों ने हिम्मत पकड़ी है। आपके पास कौन कौन सी प्रोडक्ट है? 50+ प्रोडक्ट्स हैं, और आगे उनकी रेंज भी है सबकी, जैसे बेडशीट मेरी एक प्रोडक्ट है, और आगे उसमें बहुत से पीस डिज़ाइन कलर के हिसाब से वेरिएशन, और मेकअप की तो आपको पता है कि बेबहा वैरायटी, एक आइटम ये हो गई और उसके अंदर हज़ारों चीज़ें, ब्राइडल की अलग कैटेगरी, फिनिशिंग की प्रोडक्ट्स अलग, स्टार्टिंग की अलग, और उनका यूज़ का तरीका। अच्छी बात है कि आपको शॉपकीपर जब जाते हैं ना, वो मेकअप का आपको यूज़ नहीं बताएंगे, वो जेंट्स हैं ना, उन्हें आपकी स्किन टाइप का पता है, तो मैं लेडीज़ की स्किन टाइप को भी एक चेक कर लेती हूँ, एक रफ व्यू ले लेती हूँ कि क्या सूट करेगा, चीज़ भी सही देकर आती हूँ। तो इस तरह से मेरे पास 50 प्रोडक्ट्स अलग अलग बन जाती हैं, जैसे आपके लेडीज़ हैंड बैग्स हो गए एक कैटेगरी, वो है एक आपकी ज्वेलरी हो गई, तो ये सब वैरायटी मेरे पास, समझ लें कि एक सुपर स्टोर के तौर पर मैं काम कर रही हूँ। आप तब भी कामयाब नहीं हो सकते, तो ये सारी चीज़ें तो आपको बड़ा बनाने के लिए आती हैं, और आई होंगी मेरी लाइफ में भी, तो आप बिलीव नहीं करेंगे मैंने हर चीज़ को फेस किया और बेबहा किया, लेकिन उसी चीज़ से मेरी स्ट्रेंथ बनी, और आज मैं बहुत सारी लेडीज़ से ज़्यादा स्ट्रांग हूँ उन चीज़ों को फेस करने की वजह से, लेकिन मैं स्किप नहीं हुई किसी पॉइंट से,
मैंने उनको सामने फेस किया, लोगों को भी, मसाइल को भी, हर चीज को भी। तो इस बारे में शायर कुछ कहता है। अच्छा, कि शायर कुछ कह रहा है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ऑनलाइन भी कर सकती थी, लेकिन ये बेसिकली बाहर निकलने का, आवाम के साथ मिलजुल के बैठने का मकसद क्या है? हाँ बिल्कुल, अब आप उस बात की तरफ आ गए हैं जो मैं कहना चाहती थी कि ऑनलाइन में भी बिजनेस चल रहे हैं लोगों के, और करना भी चाहिए, आजकल का ट्रेंड है। लेकिन एक टेक्निकल पॉइंट मैं उसका आपको सिंपल बता देती हूँ, फिर आवाम में निकलने का मकसद भी, कि जब मैंने आपको नहीं देखा, आपने मुझे नहीं देखा, मैंने कस्टमर को नहीं देखा, उसने मुझे नहीं परखा, तो मैं ये डिटेल जानने से आ रही हूँ कि उस पर क्या चीज़ सूट करेगी, उसकी स्किन की टाइप कैसी है, मेकअप कौन सा सूट करेगा, किस एज ग्रुप में। ऑनलाइन पे ये डिटेल्स नहीं आती, मतलब मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, क्योंकि ऑनलाइन को मैंने भी कई दफ़ा परखा है। 100% जो है ना, प्रोडक्ट को कंट्रोल फॉर्म में देने के लिए अवाम में मिलना ज़रूरी है। दूसरी बात, अवाम में क्यों निकली? तो अवाम में इसलिए निकली कि मैंने बहुत कम लेडीज़ को देखा है कि हम अपनी नाक से आगे बात करें कि कौम में क्या हो रहा है, क्या हम लेडीज़ जो कहती हैं कि कंट्री ने हमें क्या दिया, क्या हमने कंट्री को कुछ दिया है, क्या हम ये बात याद रखती हैं, या हमें याद दिलाने के लिए कोई आ रहा है। तो वो चीज़ मैंने सोची कि हमें, जैसे कि अब मैं सेटल डाउन हो चुकी हूँ, तो क्या मुझ पर भी कोई फ़र्ज है कौम के लिए? तो मैं समझती हूँ कि मुझे लोगों में निकलना चाहिए था, और वो मैं निकली हूँ और उनको, बहनों को याद करवाती हूँ। कभी कभी मैं लेडीज़ से हफ्ते में एक बार मीटिंग करती हूँ और उनसे पूछती हूँ कि वो क्या काम करती हैं, क्या उनका दायरा कार है ज़िंदगी का, तो उनको रागिब करती हूँ कि काम की तरफ लाया जाए।